अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को ये वैलेंटाइंस की लुक बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको ये सेम ग्लैम लुक चाहिए तो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने दिया है लैनकम का बेनिफिट मल्टी वाइटल, ये एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर। इसको रब करके मसाज करके जो है वो एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। मैं प्राइमर वगैरह नहीं लगा रही इस वीडियो में, सो आपको यही दिखेगा कि मैं जो हूँ ये मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, इसके बाद मैं फाउंडेशन वगैरह लगाऊंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है अपना कंसीलर लिया है, और जो मेरी स्किन टोन एक्चुअल स्किन टोन है वो उस कलर का जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर अपने लिड पर, ताकि जो है ना मेरी जो जितनी भी डार्कनेस है वो क्लियर हो जाए और मुझे एक बहुत अच्छा सा कैनवस मिला। और ये पीछे से मेरे बेटे ने बैकग्राउंड ख़राब कर दिया है, सो जस्ट इग्नोर कि जी हमने मेकअप सीखना है बैकग्राउंड थोड़ी देखना है। और यहाँ पे मैंने जो है वो बेनिफिट का बनाना पाउडर जो है वो लिया है, और उसकी मदद से जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी लिड के ऊपर, ताकि मेरी जो लिड है वो क्रीस ना करे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है हमारे आइज़ के लिए। अब मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन जो होता है ना वो कलर लिया है, और अपनी क्रीज के ऊपर ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पे क्रीज के बिल्कुल ऊपर ऊपर लगाना है, ताकि जो है वो एक अच्छा सा ग्रेडियंट मिले। और इसके बाद जो है वो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, जो कि ऐसे राउंड शेप में है। इसके साथ मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है, और इसको जो है वो अपनी क्रीज के अंदर अंदर मैं लगा रही हूँ, जो कि मेरी बिल्कुल जो क्रीज होती है ना, जब आप आँख खोलते हैं तो वो एरिया जो होता है जहाँ पे आपका दबा एरिया होता है, वो एरिया पे लगा रही हूँ मैं अपना डार्केस्ट ब्राउन कलर। तो उसको अप्लाई करने के बाद मैं दोबारा से अपना फ्लफ़ी जो ब्रश होता है, फ्लफ़ी ब्रश आपको नज़र आ रहा होगा कैसे, अगर आपको ब्रशेस के रिलेटेड आपको जानना है तो ऊपर जो है वो कार्ट में आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ब्रशेस के रिलेटेड आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी वीडियो में। अब आते हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी आईज़ को दोबारा से कंसील कर रही हूँ। मैंने लिया है उसको, मैं एक मून की शेप दूंगी, एक यू नो गोल, जो जितनी भी मेरा लिड एरिया उसको कवर कर रही हूँ अपने कंसीलर की मदद से, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइट शेड लगाना है। इसके लिए मैंने ये अप्लाई किया है ताकि जो मेरा लाइट शेड जो है नेक्स्ट वो पॉप करे, उसकी वजह से हम लोग ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने सिल्वर शेड लिया है, ये मेटालिक शेड है, और ये जो है वो विक्टोरिया की किट में से मैंने लिया है, जो मैं कि हमेशा बताती हूँ कि किट कौन सी किट है। मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें भी बताया हुआ, सो मैं उसको जो है वो पूरे उस एरिया पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने अपना कंसीलर लगाया था, वहाँ पे पूरा अप्लाई करूँगी। और इसको अप्लाई करने के साथ मैं इसको बहुत आराम आराम से लगा रही हूँ। मैंने इसके आपने नोट किया कंसीलर के बाद जो है वो उसको सेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे था कि जो मैं लगा रही हूँ वो अच्छे से मतलब कि पिक करे मेरा पिगमेंट, इसके लिए मैंने कंसीलर को सेट नहीं किया। अब ये लगाने के बाद मैंने अपना फ्लफ़ी ब्रश जो छोटा वाला जिससे मैंने क्रीज अपनी बनाई थी, उससे जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ वो एरिया को, छोटा सा जो एरिया वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क शेड ले लिया था ब्राउन का, और उसके साथ जो है मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जितनी भी वो हार्श लाइन बनी हुई है वो क्लियर हो जाए, और मेरे जो सारा एरिया ये एक क्लीन मतलब कि जो हार्श लाइन है जितनी भी है वो ख़त्म हो जाए यहाँ से। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिल्वर कलर का, ये है ग्लिटर लाइनर, और इसको जो है वो मैं लगाऊंगी, और इसके साथ मैं लगाकर उसको फिंगर से जो है ना टैप करूँगी। वो इसलिए टैप कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे जो है वो एकदम से वो नहीं चाहिए, एक बहुत भरा भरा नहीं चाहिए, मुझे हल्के हल्के से उसके चंक्स चाहिए थे, तो उसकी वजह से मैं उसको टैप करके जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो पूरे मेरी उस एरिया में जो है वो अच्छे से फैल जाए, और उसके जो चंक्स है वो ज़्यादा हैवी ना आए, हल्के हल्के से आए। यू नो जस्ट पार्टी है हल्की सी, तो उसमें आपको एकदम से हैवी नहीं करना, सो हर चीज़ को लाइट रखना है, इसलिए मैंने ग्लिटर्स को भी थोड़ा लाइट रखा है। और जहाँ ग्लिटर अप्लाई हो चुके हैं, अब जो है वो
उसको लाइनर की बारी आ रही है। लाइनर मैंने लिया है एलिजाबेथ हेलन का लाइनर है ये, और ये बहुत मेरा फेवरेट लाइनर है, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है ये लाइनर। और ये जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अब, और यहाँ पे अभी लाइनर अप्लाई हो रहा है। लाइनर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो की हुई है, आप ऊपर लिंक आ रहा है उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने हर टाइप का लाइनर के बारे में बात की हुई है और कैसे अप्लाई होता है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लाइनर्स, उसके ऊपर मैंने पूरी एक सेशन किया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मेरी जो है वो वीडियो ब्लर हो चुकी है और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी वीडियो ब्लर है। सो सबा क्या कर रही हो तुम? और मतलब व्हाट आर यू डूइंग सबा? और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त से हाइलाइटर से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, तो वो है ये गोल्डन रोज़ का हाइलाइटर है। आप इसके कलर्स देखो, बहुत ज़बरदस्त कलर्स है और ये बहुत बॉम हाइलाइटर है। आप इसको एंड में देखना, मैं जब अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी। अभी मैं इनर ब्रो बोन पे लगा रही हूँ इस हाइलाइटर को। सो यहाँ पे तो इतना सही से नहीं नज़र आ, लेकिन जब मैंने इसको अपनी चीक्स पे लगाया था, इट वॉज बॉम। और यहाँ पे मैंने लिया है लोरियल का एक्स फाइबर मस्कारा, और मैं उसको जो है वो अपने आईज़ को जो है वो मस्कारा लगा रही हूँ, आईज़ को नहीं सॉरी लैशेस को मस्कारा लगा रही हूँ। क्या हो गया मुझे यार? सो ये मैं कभी सीरियस नहीं रह सकती, सो मुझे इस वीडियो में भी थोड़ा सा फन लाना था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यू नो मैं सीरियस नहीं रह सकती। सो जी यहाँ पे जो है वो मैं अपनी ऑयल अप्लाई कर रही हूँ अपनी कबूकी ब्रश से, क्योंकि मेरा फेस बहुत ऑयली कह रही हूँ ड्राई लग रहा था। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था उसके बावजूद, उसके लिए मुझे ऑयल लगाना पड़ा थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन रोज़ का ही जो है वो फाउंडेशन लगाई, फाउंडेशन के ऊपर मैं वीडियो करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो इस फाउंडेशन की ऊपर होगी, इसके बारे में मैं बताऊँगी कि ये कैसा फाउंडेशन है। तो फ़िलहाल तो आप लोग देखो कि ये जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और इट्स क्वाइट गुड, और ये जो है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड वगैरह हो जाता है। सो ये और यहाँ पे मैं जो हूँ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको जो है वो सेट कर रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रश के बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना, उससे बहुत फाइन फिनिश आती है आपके फाउंडेशन में। सो मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ इस वक्त बहुत अच्छे से टैप करके, मुझे मज़ा आता है स्पंज के लिए, स्पंज को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। यहाँ पे मैंने जो है ना कंसीलर की जगह वही फाउंडेशन यूज़ किया कि उसकी कवरेज थोड़ी सी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी, मतलब कि ठीक थी। तो मैंने कहा वाई नॉट इसी के साथ जो है वो कंसीलर भी अप्लाई कर लूँ। सो मैंने उसी के साथ जो है वो अपना डार्क सर्कल्स वगैरह कवर किए, मुझे कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ी फिर। और मैंने यहाँ पे जो है वो अपना बनाना पाउडर यूज़ किया अपने ड्राई एरियाज़ को बेक करने के लिए। अब मैं यहाँ पे सेम जो मैंने ग्लिटर अपने आईज़ के लिड के ऊपर लगाया था, वही ग्लिटर जो है वो इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही पॉप करने के लिए, ताकि वो जगह थोड़ी शाइन कराए पार्टी है ना, इसलिए। यहाँ पे अपने आउटर कॉर्नर जो है वो डार्क कर रही हूँ। मैंने एंगल ब्रश लिया और उसमें मैंने ब्लैक शेड लिया, उसको जस्ट एक लाइन अप्लाई कर रही हूँ मैं अपनी लैशेज के साथ साथ, अपनी जो लोअर लैश है उसके साथ साथ एक लाइन अप्लाई कर रही हूँ। ये सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ मैं, इसके बाद जो है वो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अपना ब्राउन शेड लेकर उसको ब्लेंड करूँगी दोनों को साथ में। सो ये जस्ट एक अप्लाई हो रही है लाइन, और यहाँ पे जो है वो मैंने ब्राउन शेड लिया है और उसको जो है वो मैं अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पर जो है वो मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया और लाइटर शेड लिया है ब्राउन का, और इन सब कलर्स को जो मैंने दो ब्लैक और डार्क ब्राउन, और उसके बाद अभी जो लगा रही हूँ मैं लाइट ब्राउन, तो इनको ब्लेंड कर रही हूँ। सो ये बहुत अच्छे से एक ब्लेंड हो जाता है जब आप एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड करते हो तो। और यहाँ पर जो है वो मैंने ना इस बार ब्लैक लिया ना वाइट लिया है, मैंने पेंसिल ली है पिंक कलर की,
जो कि हमारी स्किन कलर होता है, हमारे मतलब कि आइज़ की जो वाटर लाइन होती है ना, जो उसका एक्चुअल कलर होता है, वही कलर की जो पेंसिल है वो मैं लगा रही हूँ। मैंने कहा जो चेंज करते हैं थोड़ा, मैंने इनर कॉर्नर्स पे सेम गोल्डन रोज़ का जो है वो हाईलाइट लगाया है, और अभी जो मैं ब्रो बोन पे दोबारा से लगा रही हूँ, थोड़ा सा मिस हो गया तो उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। ऐसे आप उसको जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है बेनिफिट का चीक प्रेड, और चीक प्रेड से मैं कंटोर कर रही हूँ अपनी चीक्स। कंटोरिंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं सून एक वीडियो करूँगी, आप वो देखिएगा कंटोरिंग कैसे की जाती है और हर किसी के फेस के लिहाज से कैसे आप कंटोर कर सकते हो, उसके ऊपर एक सेशन करूँगी मैं, बट नॉट इन फेब। इंशाल्लाह मेरा फेब जो है वो बुक्ड है और मैं मार्च में करूँगी। सो मैं यहाँ पे नोज़ कंटोरिंग कर रही हूँ, और आप मेरी जो है वो एंड पे दो वीडियोस आएंगी वो ज़रूर देखिएगा, वो भी मैंने लास्ट वीडियोस की हुई हैं, उन पे भी आप जो है वो मेरी लुक ज़रूर देखिएगा, वो वाली लुक्स। अब जो है वो यहाँ पे नोज़ कंटोरिंग हो चुकी है, तो मैं जो हूँ नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं अपनी आईब्रोज़ करी हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों ने गौर किया, मैं आजकल आईब्रोज़ एंड पे करती हूँ, आई डोंट नो व्हाई मुझे आजकल एंड पे शौक चढ़ा हुआ है आईब्रोज़ करने का। सो मैं ये आईब्रोज़, क्योंकि फाउंडेशन लग जाता है, आप जब फर्स्ट करते हो उसके बाद फाउंडेशन लगता है दोबारा हल्की हो जाती है, उसलिए मैंने सोचा एंड में किया जाए, तो एंड में क्या होता है कि स्टे हो जाता है फाउंडेशन काफ़ी टाइम तक, सॉरी आईब्रोज। अब जो है मैं यहाँ पे चीक प्रेड से ही ले रही हूँ पिंक कलर का शेड, उसको मैं एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरा जो है वो ब्लश अप्लाई हो रहा है चीक पर, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ओह माय गॉड। सो मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा हल्का कर लिया। सो हाँ, आपको कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको थोड़ा सा यू नो हल्का कर लो। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना ब्लश, और यहाँ पे आती है जी गोल्डन रोज़ का हाइलाइटर, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। इसके ये तीन शेड्स हैं, बहुत खूबसूरत शेड्स हैं ये। सो मैं इसको जो है वो अप्लाई करने लगी हूँ अपने चीक्स पे, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए आप, ये मैंने लगाया और ये है बॉम्ब, वाओ बहुत ज़बरदस्त ये हाइलाइटर। और इसकी प्राइस भी मैं इसके ऊपर भी जो है ना सेशन करूँगी एक, अब मैंने कर ही दिया क्या सेशन करना, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो ज़रूर अप्लाई करूँगी। क्या हुआ मुझे, मतलब लगाऊँगी मैं यहाँ पे जो है मैं लगा रही हूँ उसके साथ बहुत प्यार से जो है ना पेश आ रही हूँ, क्योंकि हाइलाइटर जान होता है लड़कियों की। यहाँ पे मुझे हाइलाइटर अच्छा लगा इसलिए मैंने ये पिंक जो है ना, मैंने सोचा वाई नॉट मेरे चीक्स भी चू 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 करें, सो मैंने चीक्स के ऊपर भी जो है यही हाइलाइटर हल्का सा लगाया। और यहाँ पे आते हैं लिप्स की बारी है, तो मैं लिप्स डिसाइड कर रही थी कि कौन सा कलर अप्लाई करूँ, सो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कलर अप्लाई करूँ। पहले मैंने ये लगाया करीता करके कोई ब्रांड है ये, इसका ये इतना ज़बरदस्त वेलवेट शेड है, ये मतलब इतना ज़बरदस्त है ये कि इसको है तो ये मैट लिपस्टिक, बट जब इसको अप्लाई करते हैं आप तो आपको फील होता है कि ये मैट नहीं है, ये कोई ज़बरदस्ती। अच्छा, ये लगा, ये मुझे ऐसा लगता है ड्यूप है, ये बोर्जास की वेलवेट का जो लिपस्टिक्स है ना उनका ड्यूप, वो एक्स्ट्रा वेलवेट है, वो इससे ज़्यादा है बल्कि, बट ये भी बहुत अच्छा जो है वो लिपस्टिक्स है। सो ये मैंने कलर अप्लाई किया, एंड मुझे था कि यार वो जो मैं लेकर आई हूँ वो रह जाएगा बेचारा, मैंने कहा चलो भाई उसको भी इकट्ठे कर देते हैं, और मैंने इसके ऊपर वो वाला कलर अप्लाई किया। सो दोनों को मिक्स करके ना एक मिक्सचर बन गया लिप्स के ऊपर, पता कि ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था और यहाँ पे मैंने इसका सेकंड शेड लगाया। अगेन मेरी वीडियो ब्लर हो चुकी है और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी वीडियो यहाँ पे ब्लर है, और मैं शोखियाँ मार रही हूँ एंड में। सो ये मैंने मिक्स करके दो शेड बना लिए, मतलब एक शेड बना लिए दो कलर मिक्स करके, और मेरी वीडियो इस वक्त ब्लर है एंड मुझे पता भी नहीं है इस बात का, होश ही नहीं है, बट स्टिल मेरी आईज़ चमक रही हैं, वो तो देखो ना ब्लर में लेकिन ये बहुत प्यारा कलर बनी है दो शेड्स को मिलाकर। ये सेकेंड वाले शेड का जो है वो मैं बताती हूँ कि उसका कलर क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी मैं,
आप ज़रूर देखिएगा कि उसका जो शेड है वो क्या है। सो ये हो गई मेरी लुक कंप्लीट। आई होप ये लुक आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस हेयर डू के ऊपर होगी जो मैंने किया हुआ है, सो वो मिस मत कीजिएगा। वो भी जो है वो 2-3 दिन के बाद पोस्ट हो जाएगी। सो यस, टिल देन बाय बाय।